काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले के वीडियो में आप लोगों ने कैबिनेट मिशन तक पढ़ लिया था, ठीक। इससे पहले जो दो वीडियो मैंने दिए हैं, आशा करता हूँ कि वो आपको पसंद आए होंगे और संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज हम लोग कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनी संविधान सभा, ठीक, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता ही है कि भारत में संविधान सभा के जो गठन का औपचारिक मांग थी या गठन का विचार था, वर्ष 1934 में पहली बार MN रॉय ने की। अब क्या हुआ कि भाई संविधान सभा की जब मांग होने लगी तो जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, ठीक, उसी की योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, ठीक। और संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव जो हुआ वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, ठीक, और उसमें प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। और जो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई, और इनमें से भाई 292 प्रतिनिधि होंगे ब्रिटिश प्रांत, ठीक, या ब्रिटिश प्रांतों से, और 93 देसी रियासतों से, और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों। अब उनमें से जो 296 सीटें थीं, मतलब कि 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों को मिलाकर, तो इनमें 296 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुए। इसमें से 208 सीटें कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और 15 सीटें अन्य पार्टी या फिर जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़े थे उनको मिली, ठीक। तो ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को भाई सबसे अधिक सीटें मिल गई और मुस्लिम लीग को देखिए 73 ही सीटें मिली। तो संविधान सभा में अपनी स्थिति कमजोर देखकर मुस्लिम लीग ने मुस्लिम मतलब लीग ने कहा कि भाई अलग संविधान सभा की मांग की और जो निर्वाचित संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया, ठीक। ये तो हो गई इसके गठन और चुनाव की बात। अब बात करें कि संविधान सभा की भाई बैठकें, इससे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अध्यक्ष कौन था, पहली बैठक कब हुई, ये सब। तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसका अध्यक्ष बनाया गया और ये अस्थाई थे, ठीक। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थाई अध्यक्ष संविधान सभा का बनाया गया, और 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक, या उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किए, ठीक। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किए गए। पंडित नेहरू ने जो ये संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, इसमें क्या था कि संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की बात की गई थी, ठीक है, कि संविधान कैसा होना चाहिए, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिए। और इसी प्रकार जो प्रोफेसर BN राव थे, उन्होंने आज़ाद भारत में दुनिया के अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात एक प्रारूप तैयार किया, ठीक है भाई। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनमें से जो भी बातें भारत के अनुकूल थी उनको संविधान में शामिल किया और एक प्रारूप तैयार किया। अब भाई प्रारूप तैयार हो गया, अब प्रारूप की जांच के लिए कमेटी का गठन किया, ठीक। इस प्रारूप को तो तैयार BN राव ने किया था, लेकिन जो प्रारूप की इस जाँच के लिए कमेटी थी उसको भी गठित की गई। तो उस कमेटी को प्रारूप समिति भी कहते हैं, या ड्राफ्टिंग समिति, या उसको मसौदा समिति, या मसविरा समिति, या पांडुलेखन समिति के नाम से जाना जाता। तो ये तैयार हुई थी 29 अगस्त 1947 की, ठीक। इसमें 7 सदस्य थे जिसमें से एक अध्यक्ष व 6 सदस्य थे, और डॉक्टर जो अंबेडकर थे वो इसके अध्यक्ष थे, किसके, प्रारूप समिति के। अब अगर हम सदस्यों की बात करें कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन से थे, तो हम लोग जानते हैं कि जो सदस्य थे वो N गोपाल स्वामी अय्यंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM लाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्तल, DP खेतान, ठीक, और अध्यक्ष तो अंबेडकर जी थे ही। लेकिन ये जो सदस्य थे इनमें जो N माधव राव थे, ठीक, इन्होंने BL मित्तल की जगह ली, ठीक। BL मित्तल ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। और जो एक सदस्य और इसमें नए आए वो TT कृष्णाचारी, ठीक, क्योंकि 1948 में DP खेतान जी की मृत्यु हो गई थी। तो दो नए सदस्य BL मित्तल की जगह N माधव राव और DP खेतान की जगह TT कृष्णाचारी आए। तो
ये जो प्रारूप समिति थी, ये संविधान कैसा है इसकी जांच कर रही थी, ठीक। और इसके सदस्य हो गए, अध्यक्ष हो गए। अब जो भारतीय संविधान तैयार होने पर जो पहला वाचन हुआ वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। ऐसा ही द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक। और तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला, ठीक। और जो ये संविधान था 26 नवंबर 1949 ऐसी वो डेट है जब भारतीय संविधान पारित, गृहीत या आंशिक रूप से लागू या अंगीकृत या अंगीकार, स्वीकृत, स्वीकार, अधिनियमित, ठीक, या आत्मार्पित किया गया। और भी डेट हैं कि जैसे आता है क्वेश्चन 26 नवंबर 1955 को संविधान लागू हुआ लेकिन पारित 26 नवंबर 1949 को हुआ। तो इस प्रकार आप लोगों ने संविधान सभा के बारे में काफ़ी बातें जान ली हैं, ठीक है। बाकी इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं जो वन लाइनर तरीके से मैं आपको वीडियो बना के समझा दूंगा जब ये सब जो पृष्ठभूमि चल रही है संविधान सभा की ख़त्म हो जाएगी उसके बाद, ठीक। तो अभी आज का जो हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी हम अपने अगले वीडियो में अंतरिम सरकार के बारे में बात करेंगे, ठीक। वीडियो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।